हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, हमारी मुर्गी को अंडों पर बिठाया था। अभी 21वां दिन है, इसके चूजे आज आ जाने चाहिए। अभी मैं इसके नीचे चेक कर लेता हूँ कि चूजे आए हैं कि नहीं। गाइस, मेरे को ये चोंच मार रही है, देखने नहीं दे रही इसके बच्चों को। मैं फिर हिम्मत करके अपना हाथ इसको मारने दे देता हूँ, फिर कितना मारती है मार ले। शाम का वक्त तो एक चूजा आ चुका है और अभी 8 अंडे बाकी हैं। ये सामने जो अंडा दिख रहा है उसमें से थोड़ा क्रैक आ गया है। इसके अंदर जो चूजा है ना, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। वहाँ देखो, छोटा सा क्रैक है। अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, सुबह आकर देखूंगा गाइस। तो यार, सुबह हो चुकी है, अभी चेक कर लेता हूँ कि इसके सारे चूजे निकले कि नहीं। तो गाइस, शाम को एक चूजा निकला हुआ था। अभी देखो, सामने एक चूजा झांक रहा है, अभी निकला होगा वो शायद। तो माशाल्लाह से गाइस, हमारे 7 चूजे निकल गए हैं। अभी 2 अंडे बाकी हैं, अभी इनको चेक कर लेने दो कि इनमें भी चूजे हैं कि नहीं। तो गाइस, हमारे सारे चूजे वाइट हैं, देख सकते हो आप, सारे चूजे वाइट हैं। अभी ये अंडे में से बच्चा झांक रहा है। देखो, मेरे हिसाब से ये 1 घंटे में निकल जाएगा, 1 घंटे आधे घंटे में ये अपने ऊपर का शेल तोड़कर निकल जाएगा। अभी दूसरा वाला देखना है, अगर दूसरे वाले में से ही बच्चे निकल जाए ना तो बढ़िया है। तो गाइस, हमारे 9 के 9 अंडों में से भी बच्चे निकल चुके हैं, इसमें भी निकल जाएगा गाइस थोड़ी देर के बाद। आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपको जो अंडा दिखाया था ना, वो उसके अंदर का बच्चा कमजोर था, इसलिए हम उसके ऊपर का शेल तोड़ रहे हैं। ये अपने ऊपर का शेल तोड़ नहीं सकता, इसलिए हम थोड़ा तोड़ के रख देंगे और ये अपने आप बाहर आ जाएगा। गाइस, कई बार ये होता है कि मुर्गी को अंडों पर बिठाया होता है लेकिन उसमें से सारे बच्चे नहीं आते। एक बार हमें थोड़ा थोड़ा फोड़ कर देख लेना चाहिए ऊपर का शेल। कई बार क्या होता है ना कि बच्चे तो अंदर बन जाते हैं लेकिन बाहर आने की उनको ताकत नहीं रहती है, थोड़ा उनको फोड़ कर निकालना चाहिए। जब हम ये फोड़ते हैं ना, तब कई बार खून भी आ जाता है उनके साथ। 21 दिन हो जाए तभी फोड़ना, उससे पहले मत फोड़ना, क्योंकि बच्चा अभी बनकर ही नहीं रहता। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ऊपर का छिलका हमने निकाल दिया है, अभी उसकी थोड़ी जाली निकाल देंगे। गाइस, अभी बोल दे रहा हूँ, लास्ट में अंडे से खून निकलेगा, आप देखकर डर मत जाना, क्योंकि कुछ नहीं होता भाई। ये जो अंदर बन रहे होते ना, तब इनके साथ थोड़ा खून रहता है, वही निकलता है। भाई, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, अगर कोई गलती दिखे आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना, मैं उसको सुधार लूँगा। गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज से कर देना, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है भाई। तो गाइज, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।